हाँ जी, कोई गैस, मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ इस समय जयपुर की खास जो रूहानियत है, यहाँ की उसकी खासियत है, वहाँ पे अभी को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं जयपुर के खास हवा महल में। ये हवा महल की ये खासियत है कि ये ना, जब राजा अपनी पालकी, अपना जुलूस, जब जंग जीत के आते थे या शहर में भ्रमण करने जाते थे, तो कोई खास उत्सव होता था, तो यहाँ पे जो हरे हरे दिख रहे हैं वहाँ पे रानियाँ बैठती थी। इसके अंदर जाओगे तो सिर्फ 5 फीट का ही तख्त बना हुआ है, उस पर वो बैठ के सारा शहर का वो जुलूस देखती थी। तो आइए साथ में आपको दिखलाते हैं कि कैसे है। बहुत गहमा गहमी मैं रोड पे आपको लेके चलता हूँ। तो मैं दाखिल हो चुका हूँ पिंजरे में। ये पर्यटक स्थल, यहाँ से आगे देखेंगे, अंदर से देखेंगे बाद में इसको। ये हवा महल, तो अंदर से दिखाते हैं। अंदर आ जाओ, जंगल जाओ, मैं आपको कवर कर लेता हूँ। ये है हमारे दोस्त रोहित भाई, जो मेरे दोस्त हैं, एक्टर हैं। आ जाओ। तो ये है टिकट लेने का रास्ता और हवा महल में दाखिल होने का रास्ता। आइए मेरे साथ। हम निशानों पर चल रहे हैं। मंदिर है यहाँ का, देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं और आगे हवा महल के रास्ते में। यहाँ की खूबसूरती है, ये पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियाँ, कैसे पत्थर बैठे हैं। और ये हम पीछे वाले रास्ते में खूबसूरत जूतियाँ देख सकते हैं। तो ये है इसका बैक साइड, हवा महल का रास्ता। ये बाजार है पीछे, लोग जो देखने आते हैं वो साथ में शॉपिंग भी करते हैं। बहुत कमी है, टिकट की लंबी लाइन है, लंबी लाइन है, कॉर्नर्स भी है यहाँ पे। तो अब टिकट तो लेनी है, लंबा लगे रूम लेवाना बटन लगाना। देखते हैं और हम आज की मंजिल को फतेह करने के लिए नीचे से ऊपर आ चुके हैं। आधा सफर हमने टिकट का तय कर लिया है, बस थोड़ा सा रह गया है, 5 मिनट और। तो हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं, अभी टिकट लेंगे। 50 रुपये की टिकट है, ये हवा महल देखिए। फॉरनर्स की ज़्यादा होगी। नोट वैसे आज बिहार भी कहीं चलते हैं। अरे हाँ, ज्ञान काल में चलते जाते हैं। 50 है शायद। हाँ, थैंक यू। टिकट दिखाओ। हवा महल आइए। तो ये हवा महल में एंट्री गेट है, यहाँ टिकट हम आप डाल लेते हैं जेब में। ये देख सकते हो आप नज़ारा। ये इसका इतिहास लिखा है। ये कह रहे हैं कि हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया गया था। महाराजा द्वारा हवा महल को अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया। पिरामिड की आकृति में बने इस 87 फीट ऊंचे 5 मंजिला भवन में छोटी छोटी 365 खिड़कियां बनी हैं, तथा इन मंजिलों को शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर एवं हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हवा महल के मुख्य द्वार पर को आनंद पोली तथा दूसरे द्वार को चंद्रपोली द्वार, यहाँ हम खड़े हैं, के नाम से जाना जाता है। अंदरूनी चौक में एक हौज है जिसमें फुहारे लगे हुए हैं, और इसके दाहिनी ओर महाराजा का निजी कक्ष है, प्रताप मंदिर, तथा बाईं ओर भोजनालय स्थित है। हवा महल में सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग भी यहीं से ही है। यहाँ से राज परिवार की महिलाएं तीज गणगौर की सवारी देखने के लिए हवा महल आती थी। तो अब दिखाते हैं आपको क्या राज कक्ष कहाँ है और वो सवारी कहाँ है। काशी हुई है दोनों दरवाजों में, तो हवा महल का मुख्य दरवाजा आगे और भी मंजर आने वाला है। आपको संगीत सुना।
महल पहुंचने से पहले उसका भीतरी नजारा आपने राजस्थानी संगीत सुना। एडवेंचरस प्लेसेस तो ये सिर्फ हवा महल इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी दीवार ही है, ये ग्रीन ग्रीन खिड़कियां दिखती थी बस इतना ही है, ये 5 इंच का हवा महल बंद करके दिखाओ तो ये बंद भी होती है और यहाँ से रानियां या उनकी अहलकार ये ऐसे दिखाते थे, दिखाओ जरा नीचे वो देखो ये ऐसे देखते थे बस तो फर्क इतना उस टाइम ये गाड़ी मोटर नहीं होती थी तो नीचे राजा की सवारी निकलती थी। ये देखते हैं अभी बंद कर देते हैं भाई तो आइए अंदर दिखाता हूँ असली हवा महल। छोटी छोटी खिड़कियाँ रानियाँ अपने अहलकारों के साथ शीशे कमाल के लगे हुए आज तो ये है हवा महल का अद्भुत नज़ारा। ये देख सकते हैं क्या सुंदर कमाल के शीशे हैं और ये ऊपर यहाँ पे ये हवा महल में हवा के लिए आप बैठने के लिए ये जो हवा महल के अंदर का नज़ारा लोग यहाँ बैठ के ऐसे देखते हैं जैसे मैं देखूँगा। ये देखिए ये मैं उस दौर को फील कर रहा हूँ कि ऐसे रानियाँ या उनके अहलकार बैठते होंगे और यहाँ से ये देखते होंगे और अपने आप में खुशी मना लेते होंगे। ये देखिए तो ये मतलब औरतों की जो दशा थी उस समय इसे हवा महल का नाम तो जरूर दिया गया मगर औरतों को खुली छूट नहीं थी कि वो खुल के लोगों के सामने से देख सकते हैं। ऐसे ये जालियों ऊपर दिखाइए इनको जालियों में छोटी छोटी चीजें हैं ये जालियों में से भी देखने का मंजर होगा वहाँ भी जाएंगे हम लोग देखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ। ये हम पहुँच चुके हैं इसके 3rd फ्लोर पे या 4th पे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनकी सीनियर रानियाँ जो होती होंगी क्योंकि इसका टेक्सचर बदल चुका है वो बैठती होंगी। ये देखिए क्या खूबसूरती है और सिर्फ यहाँ पे मेन है 3-4 अभी एक मंजिल और है। ऊपर अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं छत नीची हो गई है 6 फुट तक की रह गई। हाँ तो ये राहुल जी रोहित जी और ये हमारे गाइड हम आ चुके हैं हवा महल में मखरा जी ने मखरा जी ये छत फिर ऊंची हो गई ये बंदा छोटा हो गया एक हम ऊपर का नजारा ये गुमटियां ये सबसे ऊपर है टॉप पे ये देखो टॉप का मंदिर ये और लोग जो टॉप पे हैं वहाँ भी जाते हैं। चलो ये देखिए नीचे का नजारा मंजर लोग और मंदिर ये शहर जयपुर ये देखिए जयपुर का नजारा। तो ये छतरियां हैं इस छतरियों के बीच में से हम जा रहे हैं ये देखिए पीछे रह के बनाओ मन आए वापस। तो ये देख सकते हैं यहाँ से टॉप का नजारा ये वो किड़ा आ गया आमेर फोर्ट अमेरिका से आमेर फोर्ट की बैक साइड है तो ये टॉप पे हैं हम हवा महल के ये लोग थोड़ी सी जगह में खड़े हैं।
तो ये देख सकते हैं भाई रोहित को भी, ये देखिए नीचे 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 इधर, ये देखिए नैनो खिड़की, छोटी सी नन्नी सी खिड़की, ये बंद हो गई, छोटा सा इसका कुंडा है और ये मजेदार, ये टॉप पे आ गए हम लोग। ये देखिए जालियों से भी झकते हैं, ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ पे वो बैठते हैं, ये छोटी सी खिड़की, ये इधर एक खिड़की, ये देखिए हाँ। ये फंस के निकलना पड़ रहा है, पता नहीं बाहर आ जाऊंगा कि नहीं। ये देखिए ये देखिए रोहित, ये देखो ये हमारा दोस्त रोहित, ये मेरी फोटो लेगा ये, और ये मैं समझ लो कि उस समय की ऐसे देखते थे, अरे बाप रे ये बंद कर दिए हैं। ये बच्चों के लिए होगी, बच्चों के लिए नहीं पता नहीं किसके लिए है, मगर ये बड़ी छोटी सी जगह है, बहुत तंग, पता नहीं वापस जा पाऊंगा कि नहीं, उधर से निकलता हूँ। तो ये आ गए हैं हम एक खास जगह पे, बहुत ही सुंदर स्पेस है, ये देख सकते हैं, वो कितने अच्छे खूबसूरत रंग हैं, माय गॉड, पीपल आर एंजॉयिंग। ये ब्लर क्यों आ रहे, ये मॉडलिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा गुम्बद है, बहुत अच्छी मीनाकारी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत लोग, खूबसूरत। ये भाई मुझे भी बना दो, खूबसूरत मीनाकशी और नकाशी का ये खूबसूरत नमूना है हवा महल के, आप देख सकते हैं वेरी नाइस। अरे मुक्कू इधर आ, अरे इधर आ, तो ये हम पहुंच चुके हैं बिहार मंदिर, ये राजा का कक्षा, खूबसूरती से इसके गेटों की नकाशी और ये मूर्तियां, रबाब वादिनी, ये संपाद मुद्रा में रबाब वादिनी का अंकन, कंठाहार एवं कर्ण भूषण पहने हुए हैं, ये सारे गेट भी दिखाते जाइए, और ये दिखाइए, और ये देखिए क्या बात है, सुंदर नकाशी कला का उत्तम नमूना, ये नकाशी देखिए, तीन एक ही पत्थर में नकाशी है, बहुत क्लोज से दिखाइएगा, और ये भी हिस्ट्री सभी की रिकॉर्ड कर लीजिए। और ये देखिए गेट का मंजर, खूबसूरत नकाशी, बहुत ही सुंदर गेट, यहाँ की तो एक तस्वीर भी वैसे बनती है, मैं चलो बाद में निकाल लेता हूँ। ये देखिए मंजीराबादी, ये माँ सरस्वती जिसकी देन है सारा संगीत और सारी कला, और ये है मृदंगवादी, तो छोटी छोटी खिड़कियां, ये दरवाजा पुराना दिखाइए, ये देखिए दरवाजा, इसका कुंडा, तो ये कला का उत्तम नमूना है, ये देखिए नृत्य वादन फल, और ये नृत्य संगीत फल, ये सारा करो, ये इधर से ये देखिए ये देख सकते हैं मुद्राएं संगीत की अलग अलग, इधर से ये सारे चारों तरफ है इनका, ये सब नृत्य वादन की है। तो इसका मतलब कि राजा जी संगीत के कितने शौकीन थे, ये आप देख सकते हैं इन मूर्ति कलाओं से। मेरे दिल में कोई नहीं आया।
राजेश दीपक दीपक हाँ कब से गा रहे हैं यहाँ पे हम से काफी दिन से गा रहे हैं चले सामने एक बाल एक मुखड़ा है मुखड़ा शौकीन थे कला के बहुत शौकीन थे तो ये उनका साक्षात पुतला है जो उनकी पूरी ड्रेस देख सकते हैं मेरे साथ ये था उनके हाथों में कलम है वो लिखने का प्रतीक है ये हवाई कलम उनका देख सकते हैं और ये महल का हवा महल का एक बाहर का जो नक्शा है ये देख सकते हो आप ये देख सकते हैं रोज दिखा दीजिए